हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकराम ब्लॉग। और आज मैं आया हूँ होटल किंग हाईवे पर, किंग का खाना चौक न जाना। और मैं आज इस होटल पर आया हूँ और काफ़ी लग्जरी होटल है और खाने के मामले में एक नंबर है। इसकी आप बिल्डिंग देख सकते हो, इसकी बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। ये भाई मिले हैं मेरे को और ये YouTube चैनल का मेरे से सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ लिख दो इकराम ब्लॉग मिल जाएगा। और अभी आप देख सकते हो कि मेरे पीछे काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और स्टाफ वाले की बाइक हैं और बहुत ही लग्जरी होटल हैं। किंग हाईवे जो है कि ये कि साफरा के कम से कम 15 किलोमीटर आगे बढ़ती हैं दिल्ली हाईवे के ऊपर। यहाँ पर शोरूम वगैरह हैं और शोरूम के लिए लेडीज के लिए कपड़े हैं। अच्छी होटल बनाई हुई है और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए गार्डन और यहाँ पर बच्चों खेल कूद के लिए बनाया गया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हवाई जहाज उड़ान भर रही है हवाई जहाज। और भाई कैसे हैं? बढ़िया। ये भाई का शोरूम है और इस होटल के अंदर शोरूम भी है जहाँ लोअर टी शर्ट कपड़े सब कुछ यहाँ पर मिलता है और शूज की दुकान भी है, लग्जरी शूज की दुकान भी है और काफी कुछ यहाँ पर मिलता है। बहुत ही अच्छी होटल बनाई गई हुई है, आप भी यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करें। मैं बता रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं और यहाँ पर अच्छा फुहारा चल रहा है, फुहारा का सीन आप देख सकते हैं। काफी अच्छी जगह है, एकदम खुला मैदान है। और यहाँ पर केसर की रबड़ी है और पान खाने वालों के लिए पान की दुकान भी है, देख सकते हो। नारियल पानी पीने के लिए नारियल की दुकान भी है। ये आपको मैं होटल का बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक गार्डन भी है और गार्डन की यहाँ पर ये आदमी कटाई कर रहे हैं पौधों की। ये जॉकी का शोरूम है, एरोटॉप का शोरूम है जो कि जूतों के लिए काफी फेमस है। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह और चिप्स वगैरह मिलती है और बहुत ही अच्छा है यहाँ का गार्डन है। आप यहाँ पर आके फ्री में घूम सकते हो, यहाँ पर घूमने का कोई चार्ज नहीं है, आराम से फोटो सेल्फी ले सकते हो। अभी मैं अंदर रेस्टोरेंट की तरफ भी जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से खाना मिलता है और किस प्राइस पर यहाँ पर खाना मिल जाता है। मैंने भी किंग हाईवे का खाना खाया नहीं है। आप देख सकते हो कि वो लग्जरी रूम्स बने हुए हैं। और उधर जा सकते हैं क्या? उधर जा सकते हैं। तो अभी मैं आया हूँ स्विमिंग पूल की तरफ। वाओ, क्या लग्जरी स्विमिंग पूल बना हुआ है यार, देख के मजा आ गया। अभी मैं आपको यहाँ का स्विमिंग पूल का व्यू भी बताता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ का स्विमिंग पूल का व्यू। वाओ, नहाने के बाद रेस्ट करने की जगह, ये आप देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया गया हुआ है। गहरा तो नहीं है ज्यादा, बच्चे भी आराम से यहाँ पर नहा सकते हैं। देख सकते हो आप, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है। ये देख सकते हो यहाँ का स्विमिंग पूल। और यहाँ से मैं किंग हाईवे का होटल का पूरा नजारा दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप। स्विमिंग पूल थोड़ा ऊपर की तरफ बनाया गया हुआ है। तो
तो अभी मैं आपको स्विमिंग पूल की तरफ ले गया, और यहाँ पर ये पार्टी वार्टी करने के लिए बनाया गया हुआ स्टेडियम की तरह, और ये लग्जरी रूम है वीआईपी गेस्टों के लिए, बहुत ही लग्जरी रूम बनाए गए हुए हैं आप देख सकते हो, और एक तरीके से बंगला लग रहा है भाई। वाह क्या होटल का नज़ारा है भाई, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया मेरा तो। वाह ये देख सकते हो पीछे लग्जरी रूम, और यहाँ पर झूला है झूलने के लिए, चलो थोड़ा झूल लेता हूँ मैं भी। मज़ा आ गया भाई, वाह वाह भाई, चूमने का आप भी यहाँ पर आके आनंद लो, चलो झूल लिया बहुत है, अब चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। अभी मैं आपको ले चलूँगा रेस्टोरेंट की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी किंग हाईवे का खाना ज़रूर खाएं, किंग का खाना भूल न जाना।